और ये लेनी है, देखें ये कितने का है, 250 280। स्कूल बच्चों के लिए ताकि ये ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, एक नए व्लॉग में वेलकम। मेरा कज़न आने वाला है और कज़न जो है वो कल इंशाल्लाह आएगा, लेकिन आज के लिए हमने घर के लिए राशन वगैरह लेने, क्योंकि मेहमान वगैरह आएंगे तो सामान होना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ गुहाट बाज़ार और उसमें जो हम सामान वगैरह लेते हैं। मैं अपने बगीचे से जो है निकल रहा हूँ, देखें ये तो मैंने बताया भी था आप लोगों को, और अपना रिश्का जो है मैं साथ लेकर आया हूँ, ये देखें। और रिश्के में भी जाते हैं और सामान वगैरह लेके आते हैं, जो सब्ज़ी वगैरह है और जो कुछ चाहिए होगा वो साथ में लेकर। यहाँ आड़े की तरफ आ चुके हैं ये देखें, और यहाँ मेरी दोस्त की दुकान है वहाँ पे, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे अपने रिक्शे को खड़ा करते हैं और सामान वगैरह बाज़ार से लेते हैं, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है और इतना ज़्यादा कि फिर मुश्किल हो जाएगा। स्टार्ट को हिंदू महला भी कहते हैं, और यहाँ पे देखिए पीको वाले सामान है तो हमने वो भी लेकर आए हैं, और सारे पुराने मकान आते हैं। देखिए ऊपर ये अमजद भाई है, ऐसे पीको सामान। सलाम सी साहब, ये देखो ये मुर्गी ले लिए, देखिए करीम और कुछ अंडे यहाँ से ले लेंगे। ये 1260। अच्छा प्याज टमाटर और सामान कटोल छाएगा ना, हलवा नहीं दावा चोलू हलवा नहीं आगा चोलू। भिंडी को पकी नहीं देना, नीम किलो वे सा भिंडी नीम किलो वे होगा कटा सही है। अमरज कुमदा का चोली कहागा, ये सामान यहाँ से ले लिया। अच्छा सब्जी जो हमारी थी ले लिया, अब यहाँ से खराब लेकिन यहाँ पे कम है थोड़ा। ये सब्जी वगैरह भी हो गई बाज़ार में, अभी बिस्किट वगैरह बाकी है तो वो लेते हैं। वाट में जो मार्केटें बन रहे हैं ना, ये कमेटी वाले बहुत ज़बरदस्त, बड़े बड़े मार्केट हैं, बड़े दुकान हैं देखें, और ये सब्जी वाले सारे यहाँ से नमक पारे वगैरह लेते हैं। देखें नमक पारे हमारे ये किलो आ गए, और ये सामान के साथ पड़ा हुआ है। ये कितने का है, 250 280 280। इसमें गुजारा नहीं है और नहीं गुजारा, बस फुल डिस्काउंट रेट है मेरी जान, फुल डिस्काउंटेड प्राइस है। हाँ चलो ये उस पर मुगल 20 रुपये कम हो जाएंगे। अच्छा हाँ रियायत होगी। चलो ठीक है, ये देखिए इस पर सिंपल लेके जा रहा हूँ बाबू को दिखाने के लिए कि कौन सा अच्छा है, और कुछ 250 रुपये स्कूल के लिए ले दे दो। ये देखिए भाई कैश है, कैश का सामान ये हो गया, कुछ सामान आगे रहता है तो वो रिक्शे में डाल के लेके जाएंगे। अच्छा चलो तैयार हो जाओ बैठो। सामान घर पहुँच चुका है, और यार रश बहुत ज़्यादा, लेकिन हमने जो है काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये घर लेके जाते हैं इंशाल्लाह, कल कज़न आएगा तो शायद उसकी भी वीडियो मैं बना के वो भी दिखा दूँगा। रिक्शा उस्मान बाबा इसको रिक्शा दे रहे हैं, और ये इसका रिक्शा जको बिचत खो का ना नोरम राका नोरम। ये देखो कितना खुश है इसके लिए, चिझक होया चलो बस। मैंने जो आप लोगों को कहा था कि भाई मेरा कज़न आने वाला है, और ये सबसे अच्छी खुशी होती है कि कोई बाहर से आ रहा हो, तो मेरा कज़न है और मेरे यहाँ पे बहन जी जो हैं वो खड़े हैं, उनके लिए पत्नी कहाँ पे गए, तो मूवमेंट वो वाला मोमेंट आ गया कि वो अब नज़दीक आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं। ठीक है ये अमर वो तो इस रास्ते से आ चुके हैं, ये देखें कज़न आ चुका है, मुझे लगा उस रास्ते से आएंगे, और वो कहाँ उधर गए वहाँ पे। ये गाड़ी आ चुकी, और यहाँ दुबई का सामान ये देखें
یہ تو سارا کس کا سامان ہے اتنا زیادہ بچوں کے لیے؟ السلام علیکم، بہت زیادہ خوش ہو شایان، یہ دیکھیں نا خوش ہے محسن، چلو یار سامان اٹھاتے ہیں، رکھ آٹا پیڑے پودا سوکھ بھی چلتے یار۔ کزن تو الحمد للہ سے آ گیا، کیونکہ پتہ ہے تمہیں کہ کوئی باہر سے آتا ہے تو یہ خوشی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ بچوں کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ سامان کے لیے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ باہر دبئی سے سامان لے کے آئے ہیں، یہ ہیں وہ۔ تو آپ لوگوں نے سامان پیٹھی دیکھ لی ہوگی، یہ دیکھیں کہ پورا مطلب جو اپنے رشتے دار وغیرہ ہیں ان سب کی ہوتی ہے نا، کوئی کچھ دے دیتا ہے کوئی کچھ دے دیتا ہے۔ تو یہ اگر میرا ولاگ یہ ڈیلی ولاگ پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔